नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब पंचतंत्र में विलीन हो गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में दिग्गज लोग शामिल हुए। उनके निधन पर पूरी दुनिया ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पूरे भारत ने उनको याद किया। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, आम लोग सब ने उनको याद किया और शोक जताया। हरियाणा में बीजेपी जीत गई है। इस चुनाव में गोदी मीडिया भी मोदी की जीत नहीं बता पा रही थी। जो पत्रकार जमीन पर गए वो पता नहीं कौन सी जमीन पर गए, गलत आकलन पेश करते रहे, केवल हवा बनाते रहे, सच्चाई से कोसों दूर रहे। इस बीच अब एक और पत्रकार ने दावा किया है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने ट्वीट किया है और वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास के चैनल जन गण मन पर बात भी की है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस नेता से बात की है और दावा किया कि नीतीश को लाने के लिए अब राहुल गांधी और विपक्ष जुट गया है। उन्होंने लिखा कि क्या अब राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र चलेगा और नीतीश पीएम बनेंगे। इसके साथ ही लिखा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत के मुताबिक हरियाणा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस समेत सारे इंडिया गठबंधन को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा में जनता की भारी नाराजगी और बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट करने के बावजूद बीजेपी का जीतना चुनाव नतीजों में भारी हेरफेर की पुष्टि कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के नतीजों में भी धांधली होने की पूरी संभावना देख रही है। जब तक मोदी पीएम हैं तब तक चुनाव आयोग, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां सब मोदी के हाथ में हैं। कोई कुछ कर ले, जनता किसी को वोट दे दे, नतीजे मोदी ही तय करेंगे। ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, कांग्रेस के नेता के हवाले से कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जानते हैं कि ये उनका अंतिम टर्म है, अतः मोदी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें अपने अंतिम टर्म में लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। अतः अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले कांग्रेस राहुल को मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए कांग्रेस को किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये करो या मरो की स्थिति है। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करे, जिसमें नीतीश कुमार को तत्काल पीएम पद ऑफर कर देना चाहिए। अगर नीतीश साथ आ गए तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देकर मनाया जा सकता है। सारे विपक्षी नेताओं ममता, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, अखिलेश, मायावती, लालू आदि को मोदी ने एजेंसियों के माध्यम से फंसाया हुआ है, जिससे चाहे गठबंधन करवा देते हैं, पार्टी तुड़वाकर सरकार गिरवा देते हैं। नीतीश नायडू माने तो तेजस्वी को तत्काल बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगले साल दिल्ली, बिहार और 2026 के मध्य में बंगाल में भी चुनाव है। अखिलेश को भी समझना होगा कि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनावों में भी कुछ भी हो सकता है और इन स्थितियों में जीत की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र में सरकार बदली तो चुनाव निष्पक्ष होंगे, अधिकारी, मीडिया, व्यापारी सब पलट जाएंगे, विपक्षी नेताओं की प्रताड़ना भी खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र बचाना है तो कुछ अलग, कुछ बड़ा सोचना होगा। अब तत्काल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले ही नीतीश को अपने पाले में लाकर बाजी पलटनी होगी, वरना 2029 तक ऐसे ही नतीजे आते रहेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की तीसरी बार जीत हुई है, जबकि कांग्रेस को करारा झटका लगा है। हालांकि हर एग्जिट पोल, यहां तक कि गोदी मीडिया के पोल और एग्जिट पोल भी कांग्रेस को जिता रहे थे। इसके बीच अब राहुल गांधी का गुस्सा स्थानीय नेताओं पर निकला है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक हार के बाद आज कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि उन्होंने निजी हितों का ज्यादा तवज्जो दी। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर है, जिसमें पार्टी के नेतृत्व के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये बैठक बेनतीजा खत्म हुई। सूत्र बताते हैं कि हार के मंथन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बैठक में राहुल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी स्थानीय और स्टेट लीडरशिप पर ज्यादा नाराज नजर आए। कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, आधे घंटे में ही खत्म हो गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार के कारणों पर चर्चा की गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के मतभेदों पर अजय माकन ने कहा कि हार के बहुत सारे कारण हैं, जो चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक हैं। इन्हीं सभी कारणों पर चर्चा हुई और आगे भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को इनमें से 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन गुरुवार को अखिलेश यादव ने गठबंधन जारी रहने की बात कहकर इन आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन मौजूद होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास को पीडब्ल्यूडी की तरफ से सील कर दिया गया है। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। सभी बंगले उनको मुबारक। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। आतिशी ने कहा कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। ये सारे बंगले बीजेपी को मुबारक हों। हम दिल्ली वालों के लिए दिल में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक बड़ा सियासी खेल देखने को मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल हो गया है। उस समर्थन की वजह से अब बिना कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। ये मायने रखता है क्योंकि अभी तक तो कम सीटें जीतकर भी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ हिस्सेदारी रहने वाली थी और बड़ी बड़ी मांगे रहती, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। पार्टी को प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, रामेश्वर सिंह का समर्थन हासिल हो गया है। इन चारों निर्दलियों ने ऐलान कर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का समर्थन करने वाले हैं। उस समर्थन की वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने दम पर 46 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है, यानी कि बिना कांग्रेस के भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को बताया कि उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री चुनने और गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक करने को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि कल बैठक होगी, सीएम पद को लेकर भी जल्द ही दावेदारी पेश होगी। देश में पिछले कुछ सालों में जाति जनगणना की मांग जोर शोर से हुई है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जाति जनगणना कराने को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरा हुआ है। बीजेपी के कई सहयोगी जैसे चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जेडीयू तो पहले ही जाति जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। अब एक और बीजेपी का साथी इसके पक्ष में उतर आया है। अब मोदी सरकार में मुख्य सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि जाति जनगणना की जानी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब में कि क्या देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए। इसे लेकर समाज में एक सेंटिमेंट है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नायडू ने कहा कि जब आप जाति जनगणना करते हैं तो आप आर्थिक विश्लेषण करते हैं और आप स्किल सेंसस करते हैं। नायडू ने कहा कि आप ऐसा इसलिए करते हैं कि कैसे चीजों को बनाया जाए और आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए। इस सवाल के जवाब में कि क्या जाति जनगणना की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हाँ, इस भावना का सम्मान करना होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। नायडू ने कहा कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भले ही आप कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपकी इज्जत करेगा। अगर आप ऊंची जाति से हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नायडू ने कहा कि पैसा संतुलन बनाने वाला कारक है और यहीं पर आपको संतुलन बनाना होगा। बता दें, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब नायडू ने भी राहुल के सुर में सुर मिला दिए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर ही चल रही है। उनका बोलना मोदी सरकार को हिला देगा। क्या हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हर जगह इस बात पर चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि बीजेपी नायब सिंह सैनी को शिवराज वाला हाल कर दे। हालांकि शिवराज सैनी से बड़े नेता थे। इस बीच नायब सैनी लगातार दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद और कयास लगाए जाने लगे हैं। उसके बाद सैनी के बयान ने और सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की तारीख पूछे जाने पर जो जवाब दिया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा, मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कर दिया है, हमारे ऑब्जर्वर्स आएंगे, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है, जो संसदीय बोर्ड फैसला लेता है वो सर माथे लगाएंगे, संसदीय बोर्ड का फैसला सर्वमान्य होगा। हालांकि चुनाव के दौरान अमित शाह से लेकर बाकी नेता भी सैनी का नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब नहीं। हालांकि अनिल विज तो चुनाव के दौरान ही सीएम पद पर बार बार खुलकर दावा ठोक रहे थे।
हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद पहले तो कांग्रेस ने नतीजों में धांधली की बात कही और ईवीएम से खिलवाड़ की आवाज उठाई। कई वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच अब मोदी का साथ देते रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एस जगन मोहन रेड्डी ने भी बैलेट पेपर की आवाज उठा दी। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र को न केवल कायम रखने बल्कि उसे फलने फूलने का एकमात्र तरीका पेपर बैलेट की ओर वापस जाना है। एक और चुनाव परिणाम ने लोकप्रिय धारणा को झकझोर दिया है। हरियाणा चुनाव परिणाम आंध्र प्रदेश से अलग नहीं है, जिस पर अदालतों में मामले लंबित हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि उसे फलते फूलते भी देखना चाहिए। दोनों को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पेपर बैलेट की ओर वापस आना है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उन्हें सबसे अच्छा इंसान बताया। ट्रंप ने फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट पर एंड्रू शुल्ज के साथ बातचीत में पीएम मोदी के लिए शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मोदी मेरे दोस्त हैं और सबसे अच्छे इंसान भी हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत बहुत अस्थिर था। बीजेपी ने भी ट्रंप का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है। बता दें, पीएम मोदी ने भी पिछले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए प्रचार किया था, उनको इंडिया बुलाया था और अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार कह के आए थे। हालांकि ट्रंप हार गए थे और बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे, जिसके बाद विशेषकों ने कहा था कि पीएम मोदी को किसी एक नेता के लिए नहीं कहना चाहिए था कि अब की बार ये सरकार। भारत के अमेरिका से रिश्ते हैं, किसी नेता से नहीं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने में रूस की मदद करने के लिए नॉर्थ कोरिया मिलिट्री इंजीनियरों को तैनात किया गया है। यूक्रेन के एक सूत्र ने गार्जियन को बताया कि KN-23 मिसाइलों के लिए लॉन्चर सिस्टम को सपोर्ट करने वाली टीमों में दर्जनों नॉर्थ कोरियन रूसी लाइंस के पीछे हैं। बता दें, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन पिछले साल व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस गए थे, जहां दोनों लोगों ने एक गुप्त हथियार डील के साथ अपने गहरे संबंधों को मजबूत किया था। पुतिन भी नॉर्थ कोरिया गए थे। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने गजा में स्कूल पर किए गए हवाई हमले पर गुरुवार को बयान जारी किया। IDF ने कहा कि दीर अल बलाह में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट कर रहे आतंकवादियों पर सटीक हमला किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल आतंकवादी IDF सैनिकों पर हमलों करने के लिए करते हैं। वहीं हमास कई बार इन आरोपों को खारिज कर चुका है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट ने बताया था कि इसराइल के हवाई हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री एक क्षेत्रीय दौरे पर हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य गजा पट्टी और लेबनान पर इजरायली हमलों को समाप्त करने के तरीके खोजना है। वो सऊदी अरब की यात्रा पूरी करने के बाद कल देर रात कतर पहुंचे। यहां उन्होंने युद्ध को लेकर बैठकें की हैं। 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 38 साल के स्पेनिश खिलाड़ी नडाल इस साल नवंबर में होने वाले डेविस का फाइनल्स में आखिरी मुकाबला खेलेंगे। एक वीडियो संदेश में नडाल ने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने जा रहा हूं। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शन के दौरान अपनी चुप्पी पर बिना शर्त माफी मांगी। शाकिब अल हसन के माफी मांगने के बाद उनका बांग्लादेश में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना पक्का हो सकता है। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। शाकिब अल हसन ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने बलिदान दिया है। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो भेदभाव विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन का समर्थन न करने की वजह से शाकिब अल हसन की काफी आलोचना हुई थी। हाल में भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आए हसन अब तक 71 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वो अपना आखिरी टेस्ट मैच बांग्लादेश में खेलना चाहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।